दस के होनहार प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं अंजनी कुमार तिवारी, हिंदी शिक्षक पीडीएस के एजुकेशन इंस्टीट्यूट रहीमतपुर प्रतापगढ़, आपको रस पढ़ाने चल रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है हिंदी व्याकरण का। रस आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। रस है क्या? कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक के हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं। रस के चार अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव जो सहृदय के हृदय में पहले से सुसुप्ता अवस्था में बना रहता है वो अस्थाई भाव है। अस्थाई रूप से जो भाव विद्यमान है वह अस्थाई भाव है। विभाव, जिन कारणों से वह अस्थाई भाव जागृत होता है वह कारण ही क्या है? विभाव। शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट भाव, विभाव, विशिष्ट भाव, विभाव। फिर अगला है अनुभाव। जब रस उद्दीप्त हो जाता है तो आश्रय, जिसके मन में रस उत्पन्न हुआ है, वो जो अनुभव करता है, जो लक्षण दिखाई देता है, अभिनय जो करने लगता है, वही अनुभाव है। संचारी भाव जो मुख्य रस है उससे हट करके कोई दूसरा भाव बीच बीच में पानी के बुलबुले की भांति उठता है और नष्ट हो जाता है, वो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाता है। बहुत ध्यान समझेंगे, मैं पूरी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो में। अस्थाई भाव की संख्या मुख्य रूप से नौ होती है, लेकिन एक वत्सल रस, एक वत्सल अस्थाई भाव शामिल कर दिया जाए तब इसकी संख्या दस हो जाती है, जिससे वत्सल रस बनता है। वत्सल उसका अस्थाई भाव है। रति अस्थाई भाव है श्रृंगार का, हास अस्थाई भाव है हास्य का, शोक अस्थाई भाव है करुण का, भय अस्थाई भाव है भयानक का, क्रोध अस्थाई भाव है रौद्र का, और विस्मय अस्थाई भाव है अद्भुत का, घृणा या जुगुप्सा अस्थाई भाव है विभत्स का, निर्वेद अस्थाई भाव है शांत रस का, और एक जो बताए थे मैं दसवां अगर जोड़ दिया जाए, शामिल कर दिया जाए तो मुख्य रूप से नौ ही हैं। उस वत्सल को ही रत में मान लिया गया है, वत्सल को भी रत में मान लिया गया है, लेकिन बहुत से विद्वान उसको नहीं मानते हैं। कहते हैं संतान का जो प्रेम है वो स्त्री और पुरुष के प्रेम से हट कर होता है, तो उस प्रेम को वत्सल रस मानते हैं, वत्सल अस्थाई भाव मानते हैं, वत्सल रस होता है। विभाव क्या है? विभाव के दो भेद होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन, जो आलंबन माने आधार, जिस आधार पर रस की उत्पत्ति हो रही है वही आलंब है। आलंब के दो भेद आश्रय विषय, आलंबन के भी दो भेद होते हैं आश्रय और विषय। आश्रय मतलब जिसके मन में रस उत्पन्न हो रहा है वो आश्रय है, और जिसके प्रति उत्पन्न हो रहा है वो विषय है। जैसे फुलवारी में राम जी सीता जी की नज़र मिली तो राम के मन में जब श्रृंगार उत्पन्न हुआ सीता जी को देखकर, तो राम क्या हुए? आश्रय, और सीता जी हुई सीता जी क्या हुई? विषय। और उद्दीपन, इसके दो भेद होते हैं आलंबन उद्दीपन। आलंबन के दो भेद आश्रय विषय। उद्दीपन क्या होता है? जब उद्दीप्त हो, जो उद्दीप्त करता है, जैसे फुलवारी, पुष्प वाटिका का सुंदर वातावरण, हरे हरे पौधे, बढ़िया रंग बिरंगे फूल, वो क्या है? उद्दीपन, उद्दीप्त कर रहे हैं उस श्रृंगार के भाव को। अगला है अनुभाव। जब रस उद्दीप्त हो गया, रति था, रति उसका स्थायी भाव था, एक उदाहरण समझ लो, रत उसका स्थायी भाव था, राम जी ने सीता जी को देखा तो सीता जी हो गई विषय, राम जी हो गए आश्रय, दोनों आलंबन हुए, और उद्दीपन क्या हुआ? वो फुलवारी, हरे हरे पौधे, रंग बिरंगे फूल, उससे उद्दीप्त हुआ रस श्रृंगार का। जब श्रृंगार रस हो गया, वो रति जब श्रृंगार में बदल गया, तब क्या हो गया? फिर क्या अनुभव किया? सीता जी राम जी को देख रहे हैं और राम जी सीता जी को। तो सखियां जब सीता जी के आ रही हैं, देख रही हैं, एक टक भगवान राम की तरफ सीता माता देख रही हैं, लक्ष्मण जी आ रहे हैं तो वो भी देख रहे हैं कि हमारे भैया तो भाभी जी की तरफ एक टक देख रहे हैं, मतलब प्रेम जो है वो जागृत हो गया। रति का मतलब प्रेम, वो श्रृंगार बन गया। तो क्या हुआ? वो एक टक देखना क्या है? अनुभाव है। फिर अगला है संचारी भाव। संचारी भाव बीच में जो हर्ष आया, चपलता आई, कल्पने से जाने लगे, चंचलता, हर्ष, उद्वेग, वो क्या हुआ? संचारी भाव। वो बीच बीच में आया और फिर नष्ट हो गया, जो श्रृंगार मूल रस था वही विद्यमान रहा। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया। अब कल में जो पहला रस है श्रृंगार रस, जिसको रसराज कहते हैं,
जो स्त्री और पुरुष के पवित्र प्रेम का आधार है उसके विषय में बेहतर ढंग से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद।